रिकॉर्डिंग भी ऑन कर ली मैंने, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम किया था, तो उसमें हमने प्रीम्प्शन और नॉन प्रीम्प्शन दोनों केसेस कर लिए थे। तो प्लीज अभी एमएसटी की हम कोई बात नहीं करेंगे, तो एमएसटी का जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आपको बता दूंगा। मैंने पहले ही बता दिया है कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं और उनमें सब टॉपिक्स क्या हैं, वो बुक के हिसाब से मैं टिक करके आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अब शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है कि हम पहले से प्रेडिक्ट कैसे करें। शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है कि हम पहले से प्रेडिक्ट कैसे करें कि सीपीयू बर्स्ट टाइम एक प्रोसेस का कितना होगा। क्लियर, कि सीपीयू बर्स्ट टाइम एक प्रोसेस का कितना होगा, तो उसके अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, तो हम वो करते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है। तो TN क्या है, एक्चुअल लेंथ ऑफ nth सीपीयू बर्स्ट, मतलब एक्चुअल सीपीयू बर्स्ट कितना होना था। टाउ एन प्लस वन क्या है, प्रेडिक्टेड वैल्यू फॉर द नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट। ठीक है, यहां पर ये क्या है, इसका मतलब है ये इक्वल्स टू नहीं होगा, यहाँ पे प्लस वन होगा, मतलब टाउ एन प्लस वन इज इक्वल टू अल्फा टी एन प्लस वन माइनस अल्फा टाउ एन। तो अल्फा की वैल्यू हम हाफ से सेट करते हैं, तो इस इक्वेशन को यूज करके हम अभी देखेंगे के प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, नॉन प्रीम्प्शन हुआ था, कोई बात नहीं, मैं प्रीम्प्शन आज करवा दूंगा आपको। तो अब यहां पर क्या है कि आपके पास हमने प्रेडिक्ट कैसे करना है कि नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट कितनी होगी। ठीक है, तो टाउ एन प्लस वन इक्वल टू अल्फा टी एन प्लस वन माइनस अल्फा टाउ एन। वैसे इसके ऊपर कभी क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको, क्योंकि बुक में दिया हुआ है, आपके सिलेबस में है, बता रहा हूं। अब उसी इक्वेशन को यूज करके इन्होंने ये ग्राफ बनाया है, तो इस ग्राफ का मतलब क्या है, हम पिछली इक्वेशन से इक्वेशन कॉपी कर लेते हैं। इक्वेशन क्या है आपकी, टाउ एन प्लस वन इज इक्वल टू अल्फा टी एन प्लस वन माइनस अल्फा टाउ एन, और हम अल्फा की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, 0.5। दैट मींस स्टार्टिंग की जो हमने यहां पर देखो, स्टार्टिंग की जो प्रेडिक्शन वैल्यू है वो उसने कितनी ली हुई है, 10, और जो एक्चुअल वैल्यू है फर्स्ट वाली वो कितनी है, 6। तो अब इसने कैसे उससे टाउ एन प्लस वन कैलकुलेट किया, प्रेडिक्ट किया, दैट इज अल्फा की वैल्यू कितनी ली है, 0.5, पिछली टी एन की वैल्यू कितनी थी, 6, प्लस 1 माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, अगेन 0.5, टाउ एन की वैल्यू कितनी थी, 10, 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 8। तो ये 8 वैल्यू आपकी ऐसे आपने गेस कर ली। अब इससे अगली वैल्यू अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे हम कैलकुलेट की है, यहाँ पे जैसे ये वाली 6 वैल्यू कैसे प्रेडिक्ट हुई है, अगेन टाउ एन प्लस वन इक्वल्स टू 0.5, अब एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 4, प्लस 1 माइनस अल्फा मतलब 0.5, पिछली वैल्यू कितनी आई थी, 8, 2 प्लस 4 6, तो अगली वैल्यू कितनी आएगी, 6। तो इससे ऐसे ये सारे आप ग्राफ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ जी, एनी डाउट, अल्फा क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, नहीं ये ग्राफ वगैरह बनाने नहीं आने चाहिए, वैसे भी अगर ये वैल्यूज हैं तो ग्राफ बनाने में भी क्या इश्यू है,
स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है टाउ की 10, इसकी कितनी थी एक्चुअल वैल्यू 6, दोनों में ये देखो कितना डिफरेंस है, तभी जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है वो प्रैक्टिकली यूज नहीं होता। क्लियर? कभी भी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, देखो प्रडिक्शन और एक्चुअल वैल्यू में कितना बड़ा डिफरेंस है, प्रडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो ये कभी यूज नहीं होता ज्यादातर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। क्लियर? देखो अगर इक्वेशन दे दी, इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी तो आपको आनी चाहिए ना इंजीनियरिंग, तो इसमें वही थी, हमने वैल्यूज पुट करके इसको दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह इसमें बहुत कम पूछे जाते हैं, अगर पूछे जाएंगे तो आपको जैसे इक्वेशन दे दी तो उसमें आपने वो किया। 1 - 0.5 नेगेटिव कैसे हुआ? 0.5 ही आंसर आएगा। देखो इसमें दोबारा देख लो ये वैल्यू कैसे थी, इक्वेशन थी आपकी पिछली, उसमें जाकर देखो आप, अल्फा टी एन प्लस 1 - अल्फा टाउ एन। तो आपने इसमें क्या किया, इज इक्वल टू अल्फा टी एन प्लस 1 - अल्फा टाउ एन। सो अल्फा की वैल्यू आपको पिछली उसमें बताई हुई है कि 0.5 है, टी एन मीन्स एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू हमें कितनी दी हुई है जो एक्चुअल 6 प्लस प्रडिक्टेड वैल्यू गैस वैल्यू कितनी दी हुई है 10। तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे 0.5 इंटू 6 3, 0.5 इंटू 10 5, 3 प्लस 5 8, तो ऐसे आप आगे की वैल्यूज भी चेक कर सकते हो। जैसे आगे की वैल्यू और चेक करनी है तो अगेन ये 6 वैल्यू कैसे आई, 0.5 इंटू 4 प्लस 1 - 0.5 इंटू 8, तो ये कितनी होगी 2 प्लस 4 6, तो ये 6 वैल्यू है। क्लियर? तो ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, देखो 10 आपको क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि आपने पहले ये वैल्यू इतनी प्रेडिक्ट की है, वरना आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, अल्फा को अगर मेंशन नहीं किया हुआ क्वेश्चन में तो देखो 10 तो उन्होंने वैसी कोई रैंडम वैल्यू गैस कर रही हुई है, मतलब क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ दिया होगा। ठीक है, ऐसे 10 मतलब ये ऐसे नहीं कि हमेशा 10 ही होगी, तो वो क्वेश्चन में गिवन होगा अगर बाय चांस क्वेश्चन आया तो। क्लियर? अल्फा को बाय डिफॉल्ट से आपने 0.5 लेना है अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, एनी डाउट्स? अल्फा तो आपके वो नहीं होते कांस्टेंट, ठीक है, तो वो कांस्टेंट की वैल्यू है जिसको आपने रिप्रेजेंट कुछ नहीं करता, प्रेडिक्शन के लिए आपने इसको यूज कर रहे हो। क्लियर? तो अभी हमने करना है प्रीम्प्टिव एसजेएफ, वो करवा देता हूं मैं।
मान लो आपके पास ये इक्वेशन है और सॉरी सिनेरियो है, और आपने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का आपने विद प्रीम्प्शन करना है, और आपने अपना सिस्टम स्टार्ट मान लो फ्रॉम अराइवल टाइम जीरो आपने ये स्टार्ट करना है, तो इसका गैंट चार्ट कैसे बनेगा? एट टाइम यूनिट जीरो आपके पास कोई भी प्रोसेस रेडी क्यू में नहीं था, आया था, तो आपका जीरो से टू तक सिस्टम क्या रहेगा? आइडल। एट टाइम यूनिट टू आपके पास प्रोसेस आया पी वन, अब ये कौन सा है आपके पास एल्गोरिदम? प्रिम्प्टिव। SJF, ठीक है, तो आपके पास है टाइम यूनिट टू पी वन सिस्टम में आया, और कब तक चलेगा, नेक्स्ट प्रोसेस कब तक अराइव हो रहा है? एट टाइम यूनिट फोर। तो जो प्रीम्प्टिव SJF है उसको हम कहते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम एल्गोरिदम भी। तो यहां पे P1 2 पे आया और 4 तक उसका वर्स्ट टाइम कितना रह जाएगा रिमेनिंग टाइम शॉर्टेस्ट में 6। अब 1 इज स्मॉलर देन 6, तो नेक्स्ट प्रोसेस जो शेड्यूल होगा दैट विल बी P4, और इसका 4 से 5 तक ये चलेगा, ठीक है, और ये एग्जीक्यूट हो गया, P4 एग्जीक्यूट हो गया। नेक्स्ट आपके पास P3 अराइव हुआ एट टाइम यूनिट 5। अब एट टाइम यूनिट 5 आपके पास P3 अराइव हुआ और P1 पहले से है, तो 5 और 6 में से स्मॉलर कौन है, किसका है? P3 का, तो P3 शेड्यूल होगा। नेक्स्ट प्रोसेस कब अराइव हो रहा है? एट टाइम यूनिट 6, तो हमें पहले 6 तक वेट करना पड़ेगा कि 6 पर यहां पर P3 5 से 6 तक चला और इसका रिमेनिंग टाइम कितना रह गया? 4। तो इन तीनों में से शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम किसका है? P2 का, देन P2 विल बी शेड्यूल फ्रॉम 6 to 8। P2 विल बी शेड्यूल्ड फ्रॉम 6 to 8। अब P2 तो एग्जीक्यूट कर गया, फिर P3 का शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम था 8 से 12 तक, P3 आएगा, फिर 12 से 18 तक P1 आएगा। क्लियर? अब इसमें आपने वही वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम और रिस्पांस टाइम निकालना है, उसको निकालो। हाँ जी, एनी डाउट इन दी गैंट चार्ट? हाँ जी, इसमें देखो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम के हिसाब से हमने करते गए, 2 से 4 तक P1 चला क्योंकि तब तक सिर्फ P1 ही था, ठीक है। एट टाइम यूनिट 4 आपके पास P4 अराइव हो गया, तो हम इन दोनों के टाइम का कंपैरिजन करेंगे ना, 1 और 6 में कौन छोटा है? 1, तो P4 शेड्यूल हो गया, तो उसने P4 ने P1 को प्रिंट कर दिया। देन एट टाइम यूनिट 5 आपके पास P4 तो एग्जीक्यूट हो गया है, पूरा टर्मिनेट हो गया है, तो 5 आपका P3 आपके पास आया और इसका रिमेनिंग टाइम कितना? अभी बर्स्ट टाइम 5 है, इसका कितना है? 6, तो 5 इज स्मॉलर देन 6, तो P3 शेड्यूल हो गया। फिर
जैसी पी टू आया तो क्या हुआ, एट टाइम यूनिट सिक्स पी टू आया तो इसका एक यूनिट तब तक हो गया था, तो इसका रिमेनिंग टाइम कितना रह गया, फोर। देन पी टू का कितना है, टू, पी वन का सिक्स और पी थ्री का फोर, तो इनमें से रिमेनिंग टाइम किसका कम था, पी टू का, तो सिक्स से एट तक पी टू हुआ, देन एट से ट्वेल्व तक पी थ्री एंड ट्वेल्व से एटीन तक पी वन चला, ठीक है। तो अब इसमें इसके लिए सभी इसका हर प्रोसेस के लिए वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम और रिस्पॉन्स टाइम निकालो, कैलकुलेट करो। क्वेश्चंस यार मैं दे दूंगा, मेरे को एक्चुअली टेम्परेचर है अभी 100 डिग्री का, तो मैं इसलिए डाउट्स भी पूरे नहीं ले पा रहा, तो इसीलिए एक्स्ट्रा क्लास में ज्यादा डिस्कस हो पाएगा, ठीक है। सो इसमें आपने इसको कैलकुलेट करो, तो इसमें आपने इसको कैलकुलेट करके इसका वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम आपने बताना है। तो उसको एक मिनट फुल स्क्रीन में, अब यहां पे आपने वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम और रिस्पॉन्स टाइम फॉर प्रोसेस पी वन, पी टू, पी थ्री, पी फोर आपने बताना है। तो वेटिंग टाइम फॉर पी वन अराइव कब हुआ, टू पे, तो यहां तो उसको जीरो वेटिंग टाइम लगा, लेकिन यहां से लेके यहां तक उसको वेट करना पड़ा रेडी क्यू में, तो डेट मींस फ्रॉम फोर टू ट्वेल्व डेट इज एट, तो इसका वेटिंग टाइम कितना होगा पी वन का, एट। यस, टर्न अराउंड टाइम टू पे आया, एग्जीक्यूट कब हुआ, एटीन पे, टर्न अराउंड टाइम विल बी 16, क्लियर, टू पे आया और एग्जीक्यूट कब हुआ, 18 पे, तो टर्न अराउंड टाइम विल बी 16। रिस्पॉन्स टाइम पहली बार प्रोसेसर का मिला, टू पे आया और टू पे प्रोसेसर मिल गया, तो रिस्पॉन्स टाइम विल बी जीरो। पी टू, पी टू पे आपका वेटिंग टाइम इसका कितना होगा, आया सिक्स पे और यहां पर एक ही बार इसको मिला, तो ये इसका जीरो, क्लियर। देन टर्न अराउंड टाइम, सो इसके लिए ये पी टू आया कब, सिक्स पे और एग्जीक्यूट कब हुआ, एट पे, टर्न अराउंड टाइम विल बी टू, रिस्पॉन्स टाइम विल बी जीरो। देन पी थ्री आया फाइव पे और यहां इसको जीरो वेटिंग टाइम, लेकिन सिक्स से लेके एट तक इसको टू यूनिट यहां वेटिंग टाइम करना पड़ा, तो यहां टू आएगा। और पी थ्री का फाइव पे ये आया और टर्न अराउंड टाइम कितना है इसका, फाइव पे आया और ट्वेल्व पे एग्जीक्यूट हुआ, दैट मींस सेवन इसका टर्न अराउंड टाइम है और रिस्पॉन्स टाइम कितना है, जीरो। पी फोर आया कब, ये फोर पे आया और
जीरो, टर्न अराउंड टाइम वन, और ये भी जीरो। तो अगर आपसे एवरेज वेटिंग टाइम बोला जाए तो ये इसका कितना होगा 10/4, इसका कितना होगा 26/4, और ये जीरो। क्लियर है ये? ठीक है, तो अभी मैं एक प्रॉब्लम देता हूं, तो आपने खुद सॉल्व करनी है। नहीं, रिस्पांस टाइम हमेशा जीरो नहीं आएगा। चलो मैं एक प्रॉब्लम देता हूं, तो वो आपने अभी सॉल्व करके देखो। इसके लिए आपने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट विद प्रीम्प्शन के साथ एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज रिस्पांस टाइम इसका कैलकुलेट करना है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट विद प्रीम्प्शन, या इसको शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम बोलते हैं। इसका गैंट चार्ट बनाओ और इसको सॉल्व करो। 5 मिनट्स हैं आपके पास, तो 5 मिनट्स में मैं इसका आंसर बताऊंगा।
सो लेट अस सॉल्व इट नाउ. आप आंसर मैच कर लेना. सो एट टाइम यूनिट जीरो आपके पास P1 था, तो जीरो से मुझे पता है कि फोर तक तो P1 नहीं चलना था. तो जीरो से फोर अगर मैं लू इसको तो यहां पर ये कितना होगा, रिमेनिंग टाइम यहां पर थ्री रह जाएगा. और P2 का रिमेनिंग टाइम कितना है, एट. तो मतलब यही चलता जाएगा. ठीक है, यहां तक तो कोई इशू नहीं. तो नेक्स्ट अराइवल था P3 का एट टाइम यूनिट सिक्स. तो मैंने सिक्स किया तो इसका रिमेनिंग टाइम सिक्स तक कितना रह जाएगा, वन. देन ऑल्सो वन इज स्मॉलर देन फोर एंड एट. तो जीरो से सेवन तक आपके पास कौन सा प्रोसेस चलेगा, P1. तो ये तो एग्जीक्यूट हो जाएगा. एट टाइम यूनिट सेवन आपके पास दो प्रोसेसेस सिस्टम में है, P3 एंड P2, मतलब रेडी क्यू में है. तो कौन सा प्रोसेस शेड्यूल होगा, विच इज स्मॉलर इन बर्स्ट टाइम. दैट मीन्स P3 शेड्यूल होगा. और नेक्स्ट प्रोसेस कब अराइव हो रहा है, एट पे. तो सेवन से एट तक तो P3 ही चलेगा और इसका रिमेनिंग टाइम कितना रह जाएगा, थ्री. जब एट पे P4 आया तो उसका बर्स्ट टाइम कितना था, टू. तो अब मतलब टू इज स्मॉलर देन थ्री एंड एट, तो आपका P4 चलना था और कोई प्रोसेस अराइव नहीं हो रहा नया, तो एट से टेन तक P4 चलना था. ठीक है, फ्रॉम एट टाइम यूनिट टेन आपके पास दो प्रोसेसेस हैं, P3 एंड P2. 10 से 13 तक P3, 13 से 21 तक P2. क्लियर? तो अब आपने इसका वेटिंग टाइम इसका टर्न अराउंड टाइम और इसका रिस्पांस टाइम कैलकुलेट करना है. P1 जीरो पे आया और कोई इसको वेट नहीं करनी पड़ी तो जीरो. टर्न अराउंड टाइम इसका कितना है, सेवन. रिस्पांस टाइम जीरो. P2 एट टाइम यूनिट फोर पे आया और इसको यहां पर कितना टाइम लगा वेट करनी पड़ी, नाइन. फोर ये थर्टीन पे इसको प्रोसेसर मिला. एग्जीक्यूट कब हुआ ये पूरा, 21 पे. तो 4 पे आया, एग्जीक्यूट कब हुआ, 21 पे. तो 17 टर्न अराउंड टाइम. रिस्पांस टाइम कितना होगा, पहली बार प्रोसेसर कितनी देर बाद मिला, आफ्टर 9 टाइम यूनिट. क्लियर, आफ्टर 9 टाइम यूनिट. नेक्स्ट है अभी P3. कब आया ये, अराइवल टाइम सिक्स पे आया और एग्जीक्यूट कब, यहां पर इसको कितनी देर वेट करनी पड़ी, वन यूनिट और यहां पर टू. तो मतलब टोटल वेटिंग टाइम थ्री. टर्न अराउंड टाइम सिक्स पे आया और थर्टीन पे सेवन. रिस्पांस टाइम पहली बार प्रोसेसर कब कितनी देर बाद मिला, आफ्टर वन टाइम यूनिट. क्लियर. P4 कब अराइव, वेट कर एट पे अराइव हुआ और यहां जीरो. टर्न अराउंड टाइम टू, रिस्पांस टाइम अगेन जीरो. दैट मींस 10 बाय 4, 24, 31, 33 बाय 4 एवरेज और ये 12 बाय 4 मतलब 3. ठीक है, तो ये इसका ऐसे आंसर आ गया. क्लियर. सो इसको आप लोग
ऐसी इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको P3 का टर्न अराउंड टाइम 6 मैंने कितना निकाला है, P3 का टर्न 6 पे आया और 13 पे एग्जीक्यूट हुआ, तो इसका तो टर्न अराउंड टाइम 7 होगा ना, 6 कैसे आएगा, नहीं आएगा, 6 तो किसी भी फॉर्म में नहीं आएगा। अगर फॉर्मूला से भी करना चाहोगे वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम, तो उससे भी 7 ही आएगा, तो 6 नहीं आएगा अभी टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम विल बी 7। टर्न अराउंड टाइम होता क्या है कि प्रोसेस कब रेडी क्यू में आया और कब एग्जीक्यूट होके टर्मिनेट हो गया, तो 6 पे आया रेडी क्यू में और टर्मिनेट कब हुआ 13 पे, तो 13 माइनस 6 7 विल बी द टर्न अराउंड टाइम। अगर नॉन प्रीम्प्टिव होता तो सॉल्व कर दूं, ठीक है नॉन प्रीम्प्टिव के केस में सॉल्व कर देता हूं इसको मैं। अगर ये नॉन प्रीम्प्टिव होता तो यहां पर क्या होता, इसको इरेज कर दो, इसको इरेज कर दो, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि अगर नॉन प्रीम्प्टिव होता, तो नॉन प्रीम्प्टिव होता तो इसका आंसर क्या आना था, एट टाइम यूनिट 0 आपके पास P1 आया, तो आपको दोबारा एक बार जो प्रोसेस शेड्यूल हो गया तो दोबारा देखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, 0 से 7 तक P1 चलना था। एट टाइम यूनिट 7 आपके पास P2 एंड P3 अराइव हो चुके हैं, तो उनमें से अब कौन सा प्रोसेस शेड्यूल होना था, P3, तो P3 विल बी एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम 7 to 11, क्योंकि यहां पर प्रिंट तो कर नहीं सकते, एक बार जिस प्रोसेस को प्रोसेसर मिल गया तो उसी ने ही चलते जाना था। फिर एट टाइम यूनिट 11 आपके पास P4 और P2 उसमें है, तो फिर P4 ने एग्जीक्यूट होना था फ्रॉम 11 to 13, ठीक है, देन 13 to 21 आपके पास P2 ने होना था। तो इसका अगर वेटिंग टाइम निकालना चाहते हो, टर्न अराउंड टाइम और रिस्पॉन्स टाइम, अगर नॉन प्रीम्प्टिव है तो वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम विल बी सेम, 0 पे आया 0 पे प्रोसेसर मिला तो ये दोनों 0 और टर्न अराउंड टाइम 7। सेकंड P2 4 पे आया और प्रोसेसर मिला 13 पे, तो वेटिंग टाइम 9, रिस्पॉन्स टाइम 9 और टर्न अराउंड टाइम कितना होगा इसका, 4 पे आया और 17। P3 वेटिंग टाइम कितना होगा, 1 वेटिंग टाइम कितना होगा 1 और टर्न अराउंड टाइम 5, 6 पे आया था 11 पे टर्मिनेट हो गया और रिस्पॉन्स टाइम 1। P4 8 पे आया तो 3 यहां पे वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम 8 पे आया 13 पे मिला 5 और रिस्पॉन्स टाइम विल बी 3। तो अभी आप देख लो इसको कैलकुलेट करोगे तो वेटिंग एवरेज वेटिंग टाइम कितना होगा 13/3, टर्न अराउंड टाइम 34/3 एंड रिस्पॉन्स टाइम अगेन 13/3। क्लियर, यस, एनी डाउट, हाँ सॉरी डिवाइड बाय 4 आएगा,
ठीक है ठीक नहीं, वेटिंग टाइम और रिस्पांस टाइम नॉन प्रीम्प्टिव के केस में सेम होगा सिमरन, अगर प्रीम्प्टिव है तो सेम नहीं है। ये देखो इसी एग्जांपल में हमने किया था ना, जब सेम नहीं है, ये प्रीम्प्टिव के केस में सेम नहीं है ना। यहां देखो, यहां 3 है, यहां 1 है, क्लियर। तो ये हमेशा सेम नहीं होगा प्रीम्प्टिव के केस में, लेकिन नॉन प्रीम्प्टिव के केस में वेटिंग टाइम और रिस्पांस टाइम सेम आएगा, क्लियर। सो यस, नॉन प्रीम्प्टिव के केस में सेम होगा। क्यों होगा भी सेम? क्योंकि पहली बार प्रोसेसर कब मिला वो, अगर नॉन प्रीम्प्टिव है तो उतनी देर ही वो वेट करेगा ना, जितनी देर पहली बार प्रोसेसर मिला। एक बार प्रोसेसर मिलेगा फिर आप उसको छुड़वा नहीं सकते, क्लियर, उससे प्रोसेसर। सो ये आपका हो गया शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। सो नेक्स्ट है अभी आपके पास, दैट इज प्रायोरिटी, क्लियर, दैट इज प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिदम। तो यहां पे प्रायोरिटी क्या क्या कॉन्सेप्ट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको वो पहले शेड्यूल करेगा। ये भी दो तरह का हो सकता है, प्रीम्प्टिव और नॉन प्रीम्प्टिव। तो इसमें जो भी आगे, अभी तो टाइम कम रह गया है, तो इसमें जो भी आगे हमारे पास इस मेथड के बेस पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, और अगले लेक्चर में हम ये भी कर लेंगे, और साथ में राउंड रॉबिन एल्गोरिदम भी। और जो सैटरडे या संडे की क्लास होगी तो उसमें हम, वो क्लास लेंथी हो सकती है अगर आप न्यूमेरिकल्स करना चाहते हो, वरना तो देखो यहाँ पर अगर बुक की एग्जांपल्स ही करनी है तो ये तो बहुत इजी है, ठीक है, तो ये तो बहुत ज्यादा इजी है। तो हम वो लेंथी क्लास होगी तो हम सैटरडे को वो शेड्यूल कर लेंगे। कंप्यूटर्स में कौन सा एल्गो यूज होता है? कंप्यूटर्स में तो अभी आप ऐसे नहीं बोल सकते, ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा एल्गोरिदम यूज होता है, विंडोज के में पता नहीं, लेकिन जो लिनक्स बेस्ड सिस्टम्स हैं, पहले 4-5 साल पहले तक उसमें कॉमन फेयर शेड्यूलिंग यूज होता था, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। हाँ फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन वही बात है ना, वो तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर डिसाइड करता है, लेकिन वो भी कोई ना कोई एल्गोरिदम तो लगाएगा ही ना। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं भी कौन सा एल्गोरिदम डिसाइड, वो उसमें तो शॉर्ट है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर में पहले ही एल्गोरिदम लिखा हुआ है, जो भी उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, मे बी कोई भी उसने एल्गोरिदम यूज किया है, तो वहां पर ये होगा। यार गूगल क्लासरूम का मेरे को पहले भी किसी ने बताया था, वो इस वीक तो पॉसिबल नहीं होगा, नेक्स्ट वीक तक देख लेना, देख लूंगा। ये स्लाइड्स को वैसे मैंने ज्यादा यूज नहीं किया, अगर आप देख रहे होगे, ठीक है, मैं बुक में से टिक मार्क लगा दूंगा आपको। नहीं एसपी, देखो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर में तो कोई ना कोई शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यूज होगा, कोई भी हो सकता है। देखो विंडोज के केस में तो हमें मालूम ही नहीं होगा कि कौन सा यूज कर रहा है, क्योंकि विंडोज, देखो कोई भी कर ले, वो तो उसकी मर्जी है ना। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, आप अगर ओएस के प्रोग्रामर हो, आपने उसके ऊपर डिसाइड कर दिया कि इस केस में आपने ये वाला एल्गोरिदम यूज करना है, क्लियर, तो वो एल्गोरिदम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यस 8.2 माइक्रोसेकंड्स लिखा है ये, लेकिन प्रायोरिटी बेस्ड है, ये तो बुक में मिलेगा आपको। देखो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन आपका, देखो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या है,
कि उसने एक प्रोसेस चूज करके देना है रेडी से रनिंग स्टेट के लिए, तो वो कैसे भी करे, ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम है। तो वो फिक्स होगा या चेंज होगा, ये कुछ भी हो सकता है ना। वैसे ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम्स में एक फिक्स एल्गोरिदम यूज किया जाता है, क्लियर, के ये वाला यूज होगा। देखो बुक ऐसे नहीं, जो न्यूमेरिकल्स मैं करवा रहा हूं वो आपको विंडोज का तो यार किसी को पता ही नहीं। विंडोज में तो आपके पास वो तो इंटरप्ट हो रहा है ना, कि आपका वो प्रोसेस शेड्यूल हो रहा है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग तो है ही है हर किसी उसमें। देखो बुक में न्यूमेरिकल्स आपके सफिशिएंट नहीं है, तो न्यूमेरिकल्स जैसे मैं करवा रहा हूँ या आप गीक्स फॉर गीक्स के देख लेना, ठीक है। लेकिन अगर क्लास आपने अच्छे से लगाई है तो आप हर तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो, क्लियर। बुक में जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो एग्जांपल्स में दिए हुए हैं, वो तो काफी इजी हैं। जो पीछे दिए हुए हैं वो मुश्किल हैं थोड़े से। तो आप क्लासेस अच्छे से लगाते रहो, दैट विल बी एनफ फॉर न्यूमेरिकल्स। तो इस लेक्चर को अभी करते हैं ओवर, फिर फ्राइडे को लेक्चर लेंगे।